कंटोनमेंट में तब्दील एरिया में दिग्रस तहसील कार्यालय की ओर से मदद के उद्देश्य से जीवनावश्यक सामग्री पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है। इस काम से नागरिक संतुष्ट जरूर है, लेकिन फिर भी उनकी अन्य समस्याओं पर भी स्थानीय प्रशासन ध्यान दे, ऐसी मांग अब उठने लगी है। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे दिग्रस तहसीलवासियों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। शहर में कंटेनमेंट में तब्दील 6 इलाकों में हालात और ज्यादा खराब है। ऐसे में कंटेनमेंट इलाकों की जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तहसील कार्यालय की ओर से शुक्रवार को गंगानगर और बाराभाई मोहल्ले के कंटेनमेंट इलाकों के लोगों को खाद्य सामग्री किट का वितरण किया गया। इस मौके पर नगरपालिका कर्मचारियों सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने घर घर जाकर मदद पहुँचाई। मालूम हो कि नगरपालिका के उपाध्यक्ष अजिंक्य मात्रे और शिक्षण सभापति वैशाली दुधे और अन्य संयुक्त तौर पर स्थानीय प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार से संबंधित इलाकों की जनता के लिए जीवनावश्यक सामग्री के वितरण की गुहार लगाई थी। ऐसे में स्थानीय प्रशासन की लेट लतीफी के चलते गुरुवार को अजिंक्य मात्रे और वैशाली दुधे ने आगे आकर व्यक्तिगत तौर पर बाराभाई मोहल्ले के कंटेनमेंट इलाके के नागरिकों को सब्जी किट का वितरण किया। सब्जी किट का वितरण कर नागरिकों को मदद देने का सराहनीय कार्य किया है। इस बीच शुक्रवार को तहसील कार्यालय में गंगानगर सहित बाराभाई मोहल्ले के कंटेनमेंट इलाकों में मदद के तौर पर जीवनावश्यक खाद्य सामग्री का वितरण किया। इस संदर्भ में तहसीलदार राजेश वजीरे ने इन BCN से हुई औपचारिक बातचीत में बताया कि जल्द ही वे बाकी बचे कंटेनमेंट एरिया में भी इस तरह मदद पहुंचाई जाएगी। गौरतलब है कि इस मदद पर गंगानगर के कंटेनमेंट में नागरिक कुछ हद तक खुश है। वहीं उनकी मांग है कि परिसर के किसान और मजदूर वर्ग के लिए भी स्थानीय प्रशासन रियायत दे, ताकि जनता अपने अपने परिवार के भरण पोषण के लिए आर्थिक स्तर पर सामान जुटा सके। देखिए, ये हमारा जोन जो है गंगानगर परिसर, यहाँ में यहाँ पूरे गरीब तबके के लोग है, मजदूर लोग है, और आज जो माननीय तहसील ऑफिस की तरफ से हमको जो मदद मिली उनके हम तहे दिल से आभारी है। मगर जो आज जो हाथ पर लाने वाले पान पर खाने वाले लोग ऐसे गरीब लोग है, मजदूर वर्ग है, उसके बाद उनका कैसा तो उनको उसके बाद और कुछ मदद मिलने होना या उनको काम करने के लिए थोड़ी मुभा देने होना। WHO के निर्देशानुसार उनको कुछ ना कुछ इस वार्ड से क्या या कंटेनमेंट जोन से कुछ ना कुछ मदद मिलने होना। या शेतकरी वर्ग किधर जा नहीं सक रहा है, उसके बाद मजदूर वर्ग वो नहीं जा सक रहा है, उनको दूसरी आर्थिक मदद कोई मिल नहीं रही है, तो वो करेंगे क्या गरीब तबके के लोग। इस मदद प्रक्रिया के आगाज के बाद नगरपालिका उपाध्यक्ष अजिंक्य मात्रे ने इन BCN को बताया कि वे लगातार इस मांग को लेकर प्रशासन के संपर्क में थे और आगामी दिनों में शहर के हर कंटेनमेंट जोन में मदद निश्चित तौर पर पहुंचाई जाएगी। नमस्कार, मी अजिंक्य गणेशराव मात्रे, उपाध्यक्ष नगर परिषद दिग्रस। सध्या दिग्रस मध्ये सुद्धा कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत चाललेला आहे आणि त्यामध्ये शासनाच्या वतीने कंटेनमेंट झोन करण्यात आलेले आहेत। तर या कंटेनमेंट झोनमध्ये भेट दिल्या असता मागील 10 ते 12 दिवसापासून आम्ही कंटेनमेंट झोनच्या अंदर आहे आणि त्यामध्ये आम्हाला अन्नधान्याची तुटवडा असा भासत आहे, त्यामुळे आमची खाण्याची व्यवस्था शासनाने करावी। तर हा जो त्यांचं म्हणणं होतं ते मी शासनापर्यंत मांडलं आहे आणि शासनाने त्वरित यावर दखल घेऊन दिग्रसमध्ये जे काही कंटेनमेंट झोन आहे येथे अन्नधान्य किट वाटप करण्याचा सुरुवात केलेली आहे आणि लवकरच जेही कंटेनमेंट झोन अजून बाकी आहे त्या कंटेनमेंट झोनमध्ये सुद्धा वाटप शासनाच्या वतीने करण्यात येणार आहे। तर यामध्ये मी माझ्या परीने शासनाचा जाहीर आभार व्यक्त करतो, धन्यवाद। मालूम हो कि गुरुवार की शाम तक शहर और परिसर के कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 36 पर पहुंच गया है। साथ ही कोविड केयर सेंटर में शुक्रवार तक लगभग 120 लोग रखे जाने की जानकारी सूत्रों से मिली है। इसी के साथ आगामी 14 जुलाई तक शहर में सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक किराना, फ्रूट स्टॉल और दूध आदि आवश्यक सेवाएं शुरू है। ऐसे में मेडिकल स्टोर्स, दवाखाने, पेट्रोल पंप आदि अत्यावश्यक केंद्रों के अलावा बाजार की सभी दुकानें पूर्णतः बंद की गई है। एक तरह से दिग्रस शहर में जारी लॉकडाउन की स्थिति के चलते स्थानीय प्रशासन जल्द से जल्द लोगों को मदद के तौर पर जीवनावश्यक सामग्री पहुंचाकर राहत दिलाए, ऐसी मांग उठ रही है। इन BCN न्यूज के लिए जुबेर खान की रिपोर्ट।